हेलो एंड नमस्ते, आप देख रहे हैं सिनेमा शॉर्ट्स, जहां पर आपको मिलेगा भरपूर एंटरटेनमेंट साउथ के तड़के के साथ। आज के वीडियो में शुरू करूं उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साउथ के सुपरस्टार कमल हसन और सारिका की लव स्टोरी तो काफी मशहूर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके रिश्ते का अंत काफी दर्दनाक था। इनफैक्ट सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि कमल हसन की वाइफ सारिका मौत के मुंह तक जा पहुंची थी, क्योंकि सारिका ने अपने ही घर की बालकनी से छलांग लगा दी थी। सारिका और कमल हसन को प्यार ऐसा हुआ कि दोनों ने बिना शादी किए ही बच्चों को जन्म दे दिया और उसके बाद शादी की। लेकिन कमल हसन शुरुआत से ही लड़कियों के मामले में थोड़े कच्चे रहे हैं। ऐसे में कई बार ऐसा हुआ है कि जब एक रिश्ते में रहते हुए भी उनका दिल किसी और से लग गया हो। सारिका के साथ कमल हसन की लाइफ ठीक ही चल रही थी, तभी सारिका की एक दोस्त गौतमी, जिसका डिवोर्स हुआ था, वो बड़े दर्द से गुजर रही थी, तो सारिका उसे अपने घर पर ही रख रही थी। इसी दौरान गौतमी कब कमल हसन के नज़दीक आ गई पता ही नहीं चला। गौतमी और कमल हसन के चर्चे मीडिया में होने लगे, खबरें छपने लग गई, ये तक हो गया कि कमल हसन गौतमी से शादी करेंगे। सारिका ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई। सारिका ने कई बार कमल हसन को समझाने की कोशिश की, लेकिन एक टाइम के बाद सारिका को पता लग गया था कि अब वो इस बात को बदल नहीं सकती, जिसके बाद सारिका ने खुद को ख़त्म करने की कोशिश की। चेन्नई में जिस घर पर सारिका रहती थी, उन्होंने उसी घर की बालकनी से छलांग लगाकर मरने की कोशिश की। लेकिन उस दिन सारिका की किस्मत अच्छी थी, वो बच तो गई, लेकिन 3 महीने हॉस्पिटल में बिताए, मल्टीपल फ्रैक्चर्स आए, सर्जरीज हुई और दिमाग को सदमा लगा, वो अलग। पूरे 3 महीने बाद सारिका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई, लेकिन हॉस्पिटल से निकलने के बाद सारिका ने एक अहम डिसीजन लिया। उन्हें पता था कि अब कमल हसन की लाइफ में गौतमी आ गई है, इसीलिए फिर इस रिश्ते से सारिका ने खुद को अलग कर दिया। उन्होंने कमल हसन के साथ डिवोर्स ले लिया, ना सिर्फ कमल हसन को छोड़ा बल्कि चेन्नई भी छोड़ दिया और वापस मुंबई सेटल हो गई। सिनेमा शॉर्ट्स के इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। हमारे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिले।